क्या आपको पता है कि आप बिना जिम में कदम रखे ही अपनी मांसपेशी की ताकत में काफी वृद्धि कर सकते हैं? बिल्कुल सही। हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि घर पर आधारित ताकत प्रशिक्षण जिम के जैसे ही प्रभावी हो सकता है, बशर्ते आप सही तकनीकों को जानें। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने लिविंग रूम से ही ताकत बना सकते हैं, सहन शक्ति में सुधार कर सकते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने घर में एक ऐसी जगह खोजें जहां आपके पास स्वतंत्र रूप से चलने फिरने के लिए पर्याप्त स्थान हो। ये आपका लिविंग रूम, गैराज या यहां तक कि आपका पिछवाड़ा भी हो सकता है। शुरू करने के लिए आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। एडजस्टेबल डंबल्स, रेजिस्टेंस बैंड्स और एक मजबूत कुर्सी या बेंच काफी है। फर्श व्यायाम के लिए एक फिटनेस मैट भी उत्तम है। वार्म अप, अपनी मांसपेशियों को ढीला करने और अपने हृदय गति को बढ़ाने के लिए 5 मिनट की वार्म अप शुरू करें। इसमें स्पॉट जॉगिंग, जंपिंग जैक्स या डायनामिक स्ट्रेचेस शामिल हो सकते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार उचित वार्म अप चोट के जोखिम को काफी कम कर सकता है। कोर व्यायाम, उठक बैठक, कंधे की चौड़ाई के बराबर पैर फैलाकर खड़े हों, ऐसे नीचे बैठें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों, जब तक जांघें फर्श के समानांतर न हो जाएं, फिर उठ जाएं। 12 रेप्स के 3 सेट का लक्ष्य रखें। पुश एप्स, प्लैंक पोजीशन से शुरू करें, अपने शरीर को फर्श की ओर नीचे करें, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए फिर ऊपर की ओर धकेलें। यदि आवश्यक हो तो अपने घुटनों पर गिरने का मॉडिफाई करें। प्लैंक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक प्लैंक पोजीशन में रहें। इससे आपके पेट और संतुलन बनाने वाली मांसपेशियों में धीरज बढ़ता है। बल निर्माण प्रतिरोध प्रशिक्षण, अपने डंबल्स का इस्तेमाल बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस और शोल्डर प्रेस के लिए करें। रेजिस्टेंस बैंड्स, पुल अपार्ट्स और लेग प्रेसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्रमिक अधिभार, अपनी मांसपेशियों को लगातार चुनौती देने के लिए वजन या प्रतिरोध को धीरे धीरे बढ़ाएं, जैसा कि 2019 के खेल विज्ञान समीक्षा में सिफारिश की गई है। ठंडा होने पर स्ट्रेचिंग, कम से कम 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करें ताकि लचीलापन बढ़ सके और मांसपेशियों की सूजन कम हो। अपने पैरों, पीठ और बाजुओं जैसे प्रमुख मांसपेशी समूहों पर ध्यान दें। आपके घर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सत्र पूरा करने पर बधाई। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। इन व्यायामों को अपनी दिनचर्या में सप्ताह में 3 से 4 बार शामिल करने की कोशिश करें ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें। आपके पास अपने ही घर में सफल होने के लिए सभी उपकरण हैं। गहराई से जानकारी के लिए अपनी स्क्रीन पर अब दिखाई देने वाली प्लेलिस्ट देखें। इसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में जानने की जरूरत है, वह सब कुछ दिखाया गया है। अब अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ना, लाइक करना, साझा करना और भी अंतर्दृष्टिपूर्ण सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।